लाइन कांग्रेस की विचारधारा को बहुत गहराई से किसी को भी समझा देती है। वो नफरत का बाजार खोलते हैं, हम मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं। वो हिंसा के बाजार चलाते हैं, हम अहिंसा की दुकानें चलाते हैं। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकती है। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। परिणाम बताएगा तो यात्रा से क्या उम्मीदें हैं, और सदन से तो विपक्ष लापता है, वो तो फ्लॉप स्टार कुमार गौरव के पिक्चर देखने में लगे हैं। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विचलित है। आसाम में न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता लगातार न्याय यात्रा के खिलाफ बोल रहा है। राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। जहां तक अजय चंद्राकर का सवाल है, अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के चूके हुए नेता है। तो डाल से चूका हुआ बंदर और राजनीति में चूके हुए नेता के बातों का बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा हमारा है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुकी है, 2 दिन के गैप के बाद अब फिर से शुरू होने जा रही है राहुल की यात्रा। ऐसे में राहुल आएंगे तो क्या लाएंगे, क्या कुछ बदलाव होगा, या फिर वही राजनीति ढर्रे पर वापस आ जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल का बूस्टर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को कोई ऐसा टॉनिक दे पाएगा जिससे कि वो लोकसभा में भाजपा का मुकाबला कर सके, या फिर एक बार फिर हैवीवेट पहलवान की तरह बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पटकनी देने में कामयाब होगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राजनीतिक नजरिया रखेंगे अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता राजू चक्रवर्ती जी हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ रहे हैं रूपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा तो आ चुकी है, लेकिन कल के दिन के बाद वो यात्रा गति पकड़ेगी, और रोड शो के बाद राहुल गांधी क्या कुछ कहने वाले हैं, किस तरीके के मुद्दे उठाने वाले हैं, उसका कई दिन तक छत्तीसगढ़ की राजनीति पर असर होने वाला है। तो दुबे जी की ओर रुख करते हैं, पहले रूपेश दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ प्लान करके कांग्रेस चल रही है, और इसमें जो आलोचना हो रही है अजय चंद्राकर के द्वारा, उन्हें राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग कहा जा रहा है, राहुल गांधी का कोई असर नहीं पड़ने की बात कही जा रही है, उम्मीद हम क्या लगा के बैठे हैं दुबे जी, क्या कुछ कोई नया चमत्कार हो जाएगा? आप लोग अभी 2 महीना पहले ही एक लंबी हार झेल कर बैठे हैं। तिवारी जी नमस्कार जी। राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के ऐसे युवा नेतृत्व है जिन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति बताई है, प्रतिमूर्ति का प्रमाण दिया है, और भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम उन्होंने जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री पार्ट टू, यूपीए पार्ट टू में प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जन सेवा का मार्ग चुना। और अब जिस प्रकार से भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जिस प्रकार से जी चलिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जी जी बोलिए बोलिए दुबे जी, बोलते रहिए जी रूपेश जी। जिस प्रकार से आपस में उनके द्वारा जात पात के नाम पर लड़ाई कराई जा रही है, धर्म संप्रदाय के नाम पर दूरियां उत्पन्न करने का काम जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी,
और भारत जोड़ो यात्रा पूरा भारत देश देखा है, विश्व देखा है कि किस प्रकार से वो यात्रा राजनीतिक न होकर के सभी वर्ग के सभी समुदाय के सभी लोग, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, पूर्व सैनिक आदि लोग उस यात्रा में शामिल हुए और एक भारत देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना। और उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा की सरकार अब महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के साथ अन्याय कर रही है, राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए जो बिल लाया गया था उसके लिए सतत लड़ाई लड़ी, अंततः केंद्र सरकार ने वो बिल वापस लिया। उसी तर्ज पे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ किया है। और चूंकि अजय चंद्राकर जी है, गाहे बगाहे उलूल जुलूल बातें करते रहती है करते रहते हैं, तो उन्हें अब विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी से भी किस प्रकार के शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए उसकी भी उन्हें समझाइश दी गई है। ऐसी स्थिति में अजय चंद्राकर जी को चाहिए कि वे अपने राजनीतिक भविष्य को देखें और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आए हैं और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में जो एक उत्साह का वातावरण कांग्रेसियों में बना है उससे भाजपा विचलित है। चलिए, भाजपा विचलित है। हम ये जानना चाह रहे थे दुबे जी कि करेंगे क्या आप लोग, यात्रा आएगी तो कुछ ऐसे मुद्दे आप लोग तैयार करके रखे होंगे जो राहुल गांधी के स्तर के हों या राहुल गांधी जी ने उठाए। बाकी चीज तो हम सुनते रहते हैं, आप लोगों के स्थानीय नेता नेतृत्व तो इस बात को रखता रहा है। नया क्या होगा राहुल गांधी के आने के बाद? तिवारी जी, जिस प्रकार से 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही, केंद्र सरकार लगातार अन्याय करती रही, रॉयल्टी के पैसे को रोका गया, महंगाई, बेरोजगारी और छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों में जिस प्रकार से उनके द्वारा सहयोग नहीं दिया गया, अभी छत्तीसगढ़ में 2 महीने हुए भाजपा को सरकार बने, लेकिन जिस प्रकार से महतारी बंधन योजना में महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है, युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, शासकीय कर्मचारियों को इन्होंने सज्जबाग दिखाया है, ये तमाम तरह की जो योजनाएं इन्होंने मोदी की गारंटी के रूप में कहे हैं और उसपे इन्होंने सीधे सीधे भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग को छला है, उनके साथ अन्याय किया है, उसकी बातें राहुल गांधी जी के मंच में, राहुल गांधी जी हमारे नेतृत्व करता है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करके देश में भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए हम सब संकल्पित मन से कार्य करेंगे। चलिए, जो थीम है यात्रा की, न्याय दिलाने की, उस न्याय की बात को लेकर राहुल गांधी आए हैं तो कई जगह उन्हें लगेगा कि न्याय नहीं हुआ है तो उन मुद्दों को उठाएंगे। बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं राजीव चक्रवर्ती जी। जिस जिस प्रदेश में राहुल गांधी गए हैं वहां क्या हुआ है वो तो आपको मालूम है, लेकिन राहुल गांधी के आने से कांग्रेस चार्ज हो जाती है और ऐसे राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ वो राज्य पहला राज्य है जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत है। हम पहले देख रहे थे मणिपुर, असम कमजोर राज्य है जहां पर कांग्रेस कमजोर है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड यहां सबसे मजबूत है। यहां पर राहुल गांधी के आने का मतलब है एक बड़ी चुनौती बीजेपी को, इस चुनौती को कैसे लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी हमारे पाहुना है, हमारे मेहमान है। निश्चित रूप से राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन मनभेद नहीं है। लेकिन मोहन जी, एक प्रश्न कौंधता है कि राहुल गांधी जी पिछले 2 लोकसभा से कभी चौकीदार चोर है, राफेल के दलाल है का नारा बुलंद करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं न्याय यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा किसी भी राजनीतिक दल की एक मुख्य एक राजनीतिक अभियान हुआ करती है। हमें याद है कि आदरणीय चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा निकाली थी, भारत यात्रा, तो भूदान यात्रा जब विनोबा भावे जी ने एक मुहिम चलाई थी, और लाल कृष्ण आडवाणी जी जी ने अभी अभी भारत रत्न मिले, उन्होंने राम रथ यात्रा चलाया था, मुरली मनोहर जोशी जी ने राष्ट्रीय एकता यात्रा की थी, तो तमाम यात्राएं होती है। लेकिन राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो दिखता है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, वो दिखता है कि ये एक राजनीतिक का एक इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि किसी यात्रा के पहले एक वातावरण तैयार किया जाता है। मुझे याद है, मैं राजनीतिक पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई यात्रा निकालती है तो उसके लिए हम गली गली में वॉल राइटिंग करते हैं, पर्चा देते हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करते हैं कि यात्रा का औचित्य क्या है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस फोटो अपॉर्चुनिटीज और जो पॉलिटिकल जो इवेंट कर रहे हैं उसमें यात्रा का मकसद लोगों को पता नहीं, न्याय किसके लिए मांग रहे हैं। आजाद साहब
न्याय मांगते मांगते वो आजाद हो गए, अपनी पार्टी बना लिए। कपिल सिब्बल जी सपाई हो गए, समाजवादी पार्टी में चले गए। आनंद शर्मा जी कुपित बैठे हैं, मनीष तिवारी जी कुपित बैठे हैं। तो अपने पार्टी के बड़े बड़े जो आलाकमान थे कांग्रेस के, जो छत्रप थे, वो तो कुपित हो गए हैं। और ममता जो इंडी गठबंधन उन्होंने बनाया है, उसमें ममता जी कही कि हम आपसे गठबंधन करेंगे लेकिन आपको सीटें नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी कुपित होकर अलग हो गए। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में जो दृष्टांत दिख रहा है, तो वो तो न्याय नहीं कर पा रहे अपने लोगों के साथ। लेकिन अजय चंद्राकर जी ने ठीक बोला है कि लॉन्चिंग हो रही है राहुल गांधी जी की, ठीक है उनकी पार्टी, उनकी माता जी लगातार अध्यक्ष रहे, उनके पितामह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लगातार, उनकी अपनी परिवार है, अपनी पार्टी है, हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन न्याय किसके लिए, यात्रा का ध्येय क्या है, यात्रा का मकसद क्या है, यात्रा का वृतांत क्या है, किसका न्याय, किसके न्याय के लिए बात कर रहे हैं। एक तरफ पहले बोलते थे ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और अभी वो कहते हैं कि 50% आरक्षण लेकर रहेंगे। तो ये जो उनके साथ जो दृष्टि है वो समझ में नहीं आ रहा है। और लोग बात लेके जा रहे हैं लोगों के बीच, पार्टी की बात, लेकिन जब वो अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, वो बोलना क्या चाहते हैं, उनकी दृष्टि क्या है, उनकी सोच क्या है, यही बात जब लोग समझ नहीं आएंगे जवाब लेंगे दुबे जी से। लेकिन बिल्कुल आपके सवाल जायज है, लेकिन अब अनिरुद्ध दुबे जी से समझ लेते हैं कि जब इस तरीके के राष्ट्रीय नेता आते हैं तो किस तरीके का राजनीतिक असर प्रदेशों में होता है। अनिरुद्ध जी, छत्तीसगढ़ में आप क्या देख पा रहे हैं, 7 लोकसभाओं से गुजरने वाली ये यात्रा हर दिन एक नया असर लेकर आएगी, ऐसी बातें कही जा रही थी। पहले दिन के बाद तो 2 दिन गैप हो गया, अब कल के बाद जो है हमें राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती दिख रही है, आपका क्या आकलन है? देखिए मोहन जी, रुपेश दुबे जी ने कहा कि राहुल गांधी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। वो चाहते तो जब मनमोहन सिंह जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और जब दूसरा मौका आया तो राहुल गांधी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया। मैं इस बात से सहमत हूं, और वास्तव में जो है पार्टी के लिए जितना जो है दे सकने वाली जो स्थिति है राहुल गांधी की, वो दे रहे हैं। और आपने जो कहा कि 7 लोकसभा क्षेत्रों से जो गुजरने की बात है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जब जब आगमन होता है तो पार्टी चार्ज तो होती है, लोगों में एक उत्साह तो जगता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अपेक्षा के विपरीत जाके जो हार मिली, पराजय मिली, उससे कांग्रेस टूटी हुई है और बहुत से नेता और कार्यकर्ता भी टूटे हुए हैं। खुलकर ना बोले लेकिन उनके चेहरे पे भाव झलकता है। मैं राहुल गांधी की तारीफ पहले भी कर चुका हूं और आज भी करता हूं, लेकिन एक चीज जो खटकती है बात, उन्हें क्या है कि नए नारे गढ़ने होंगे, उन्हें नए स्लोगन गढ़ने होंगे। फिर वही बात जो है आई कि वो नफरत के बाजार खोलते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये नफरत की के बाजार और मोहब्बत की दुकान मेरे ख्याल से जो है लगातार राहुल गांधी बहुत लंबे समय से इस बात को कहते आ रहे हैं। क्यों कोई नया स्लोगन कांग्रेस में पैदा नहीं हो पाता और क्यों जो है नए नारे नहीं पैदा हो पाते? और सबसे एक चीज अच्छी लगी कि कम से कम राहुल गांधी ने अभी छत्तीसगढ़ की यात्रा में अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को तो याद किया। एक ही नारा गरीबी हटाओ नारा था मोहन जी, जो एक समय इंदिरा जी को जो है शीर्ष पद पर मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे दोबारा ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ था। और इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम आज भी याद किए जाते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट आज जैसे मोदी जी करते हैं, तो वही जो तरीका जो है इंदिरा जी का भी होता था। लेकिन प्रयोग धर्मी पार्टी जो है कांग्रेस नजर नहीं आती मुझे, वही चीजें होगा, रिपीटेशन होता है और कुछ ऐसी बातें होती है कि मुझे लगता है कि उसका कोई सीधा असर पड़ पाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी बोला कि मोदी जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी जी ओबीसी नहीं है। मोदी जी ओबीसी हैं या नहीं है इसकी पड़ताल तो मोहन जी मैंने नहीं की, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो ये सब जो लाइनें हैं कोई राजनीति के मैदान में, राजनीति के क्षेत्र में कोई बहुत मारक हो सकती हैं, और आम आदमी सामान्य आदमी पर इन लाइनों का कोई गहरा असर पड़ सकता है, व्यापक असर पड़ सकता है। और जहां तक अगर कहीं जो है लोगों पे अगर कहीं गहराई से लोगों के अंतस मन में उतरना है मोहन जी, तो मैं फिर वही कहूंगा नए स्लोगन तैयार करने पड़ेंगे और नए नारे गढ़ने पड़ेंगे। जी चलिए, इसकी तो जरूरत और दरकार बनी हुई है। दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, ये सारी चीजें, कई सलाह, इसी तरीके की सलाहें कई बार आप लोग को मिलती है, लेकिन आप लोग क्या इसे स्वीकार नहीं करते? इसका
इसको क्रियान्वयन नहीं हो पाता, ऐसी सलाहों का ऐसी बात भी आती है। और बीजेपी भी जो सवाल पूछ रही थी वो भी जाया जाए कि यात्राओं का असर तो हो नहीं रहा है क्योंकि उद्देश्य जो है वो स्पष्ट नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। क्या इस बार कुछ बदलाव दिखेगा, कुछ नया करेंगे आप लोग? मोहन जी, भाजपा को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य दिखेगा ही नहीं, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक भारत के लिए आपसी भाईचारा स्थापित हो और भारत में प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो, इस उद्देश्य को लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं। इनके द्वारा धर्म संप्रदाय के बारे में जो यात्राएं निकाली जाती है, नारे लिखे जाते हैं, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आम आदमी भी इस यात्रा में शामिल होता है और जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय की बात करते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की सोच एक भारतीय राजनीति में अपने आप में एक परिदृश्य है। राजनीति में सफलता और असफलता एक सामान्य बातें हैं। छत्तीसगढ़ में यद्यपि हमने कांग्रेस सरकार रहते 5 सालों में अनेकों कार्य किए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत किए, उसके बाद भी जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, इससे हम विचलित नहीं है। लेकिन अभी चूंकि आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जिस प्रकार से देश में हालात बने हैं, देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है और उसके बाद भी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, तो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मणिपुर में घटना हुई थी, आसाम में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को रोका गया था, तो मणिपुर में न्याय तो दिला नहीं सके और भाजपा की राज्य सरकार असम में अन्याय का प्रमाण देने बैठ गई थी। ऐसे चीजें भारत देश के नागरिकों में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो देख रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में और काफी हद तक अभी भारत देश के नागरिक, छत्तीसगढ़ के भी नागरिक नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार का जो काम करने की नेक नीति है, नेक नियत कहीं नहीं है, इसको काफी हद तक जान चुकी है और वह दिन दूर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये हमारा मूल उद्देश्य है। राहुल गांधी जी सत्य के ध्वजवाहक है, स्वच्छ राजनीति के ध्वजवाहक है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को सफलता मिलेगी। ठीक है, अभी शायद परेशान है लेकिन पराजित नहीं है। चक्रवर्ती जी, परेशान कांग्रेस को आप लोग पराजित समझ रहे हैं? ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रदेशों में यात्रा चल रही है, कभी न कभी परिणाम मिलेगा, ये उनका कहना है। देखिए, इंदिरा कांग्रेस या बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कई बार विलय हुआ, कई बार गठन हुआ, लेकिन मूल रूप से सत्ता के लिए बहुत संघर्ष करती है कांग्रेस पार्टी और अपने स्वार्थ के लिए। जो कह रहे थे हमें रुपेश जी कि न्यायाधीश और युवराज और त्याग मूर्ति और पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर बातें कर रहे थे, ये वही कांग्रेस पार्टी जब देश में एक स्थायी सरकार की जरूरत थी तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। ये राजीव गांधी को कोई देख रहा है? चौधरी चरण सिंह आज पुरस्कृत किए गए हैं भारत रत्न से, उनकी सरकार को गिरा दिया गया, तो ये मध्यावधि चुनाव हो रहा, 100-100 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देना, देश में आपातकाल लगा देना, ऐसे पार्टी के लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे कहने दीजिए। ऐसी कांग्रेस पार्टी जो गरीबी हटाओ का नारा करने वाली, गरीबों को हटाते गई और तमाम तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने अपना छल प्रपंच किया, भ्रष्टाचार की बुनियाद रखी, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताया, ये तमाम तरीके जो आज देश जूझ रहा है 65 वर्षों में, राजमंडल खेलो कोई घोटाला हो, तमाम तरीके से घोटाले से सरकार को बना देना, बिगाड़ देना, वो कांग्रेस पार्टी न्याय की बात कर रही है। आम जनता कहता है कि हमको न्याय, हमको कांग्रेस पार्टी ने 65 वर्षों तक न्याय, राहुल गांधी जी किस न्याय की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का एक सूत्र एजेंडा है, बात बात पर वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने 10 वर्ष तक कठोर कारावास सजा, उनको उनका उनके जीवन के बारे में छिद्रान्वेष कर रहा, जो क्रांतिकारी उनके बारे में छिद्रान्वेष कर रहा है, देश में जो औद्योगिक माहौल चलाने वाले जो उद्योग घराने हैं उनके बारे में छिद्रान्वेष करना, तो ये जो मोहन जी जो देश दोनों पार्टियां जो कर रही है, लेकिन असर हम राजनीति में क्या होने वाला है इसका, वो नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। रुपेश जी ने व्यवधान दिया, मैं अपनी बात नहीं रख पाया। जो असर यह है कि न्याय यात्रा के लिए राहुल गांधी जी अपने लिए न्याय मांग रहे हैं कि मुझे रिलॉन्चिंग कर दीजिए कृपया करके, लेकिन देश की जनता उन्हें उन्हें अमेठी से जो उनके
परदादाओं की सीट थी, उनकी तिजारत थी, उनकी विरासत थी, तो उस विरासत की तिजारत से लोगों ने पदच्युत कर दिया अमेठी से। अब वो वाडनियार जाते हैं, वहां कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है भारतीय जनता पार्टी से। तो राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, राहुल गांधी जी अपने जो पार्टी लाइन उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टी के संगठन के साथ। ठीक है, बीजेपी क्या कम करके आंक रही है अनिरुद्ध जी राहुल गांधी की इस यात्रा को, पिछले संस्करणों से जोड़कर देख रही है, लेकिन हर बार नई चीजें होती है, क्या ये मुगालता है राहुल गांधी को कम करके आंकना? देखिए क्या है कि 5 राज्यों के चुनाव और कर्नाटक राज्य को भी जोड़ लें तो 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसकी हम बात करते हैं तो उसमें नतीजे जो रहे 6 में, 2 कांग्रेस के पक्ष में रहे और बाकी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे, और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ये बात बैठी कि जो है मतलब एक मोदी जी का चेहरा काम करता है, जो जनाधार है वो इस तरफ है, और जहां तक के राहुल गांधी की पहली जो यात्रा थी बहुत असरकारक नहीं रही। न्याय यात्रा की बात है, न्याय यात्रा वास्तव में न्याय शब्द जो है बहुत वजन रखता है, बहुत दम रखता है, लेकिन एक चीज है कि जो है जोर जो है कांग्रेस अपनी जो यात्रा पे दे पाती है या कांग्रेस के जो नेता दे पाते हैं तो मणिपुर पर दे पाते हैं। बात जब शुरू होती है तो मणिपुर से होती है। वास्तव में मणिपुर में जो भी घटा मोहन जी वो चिंता का विषय तो है, तो वहां पे है किसी का भी दिल दहल जाए वहां जो घटनाएं हुई, इसमें कहीं कोई मैं इसमें कहीं कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कहीं न्याय की आप बात कर रहे हैं तो फिर उसमें अन्याय पे जोड़ दीजिए और ये साबित करिए, ये तो आप मतलब लोगों के दिमाग में बैठाइए कि किन बातों को लेकर अन्याय, कहां कहां अन्याय, कैसा अन्याय, ये सब चीजों की कहीं कमी है। अगर कहीं आप ये इन सवाल को फौरी आप सवाल करें तो मैं समझता हूं जैसे मणिपुर की बात की तो दूसरा भी मणिपुर की बात कह के आगे रुक जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे जो है 15,000 रुपए जो है किसी के खाते में नहीं आए तो जीएसटी की बात कर देगा, तो कोई कुछ बात कर देगा, वो बहुत सामान्य बात हो चुकी है, बहुत रिपीट हो चुकी है। मोहन जी मैं एक बात और कहूंगा, अजीत जोगी जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो एक बात कहा करते थे कि राजनीति में सफलता उसी की होती है जिसका व्यक्तित्व तो करिश्माई हो, और हम बात शीर्ष केंद्रीय राजनीति की कर रहे हैं तो हम वही उदाहरण पेश करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब मोदी जी, कहीं ना कहीं अगर इनकी स्वीकार्यता हुई तो ये जो है करिश्माई व्यक्तित्व के कारण हुई। मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की प्रतिभा पे कहीं कोई संदेह नहीं है, हो सकता है कि आने वाला समय उनका चमकता हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन दो राष्ट्रीय नेताओं को अभी और निखरने की जरूरत है। चलिए दुबे जी, ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय स्तर की हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से जानना चाहते हैं कि कई चीजों को बदलाव की जरूरत के रूप में भी आप लोग के सामने रखा जाता है, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, खासतौर पर संगठन को लेकर कहा जा रहा है कि एक हार हुई है तो कुछ बदला जाएगा, राहुल जी इस संबंध में भी कुछ मंथन करेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे क्या? किससे सवाल है? रुपेश दुबे जी से। तिवारी जी, दीपक बैज जी का कुशल नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिला हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का नेतृत्व हम सबको मिला हुआ है, आदरणीय चरणदास महंत जी हैं, टीएस सिंहदेव जी हैं, कांग्रेस में तमाम शीर्ष नेता हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से सचिन पायलट जी को प्रभारी बनाया गया है, सचिन पायलट जी युवा हैं, उनके आने के बाद संगठनात्मक गतिविधियां तेज हुई है, प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, और हम बाकी हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हम लगातार सतत संपर्क बना करके काम किए हुए हैं। बदलाव सामान्य प्रक्रिया यद्यपि होता है, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी शीर्ष नेतृत्व संगठनात्मक गतिविधियों का आकलन करती है, चुनाव परिणाम से बदलाव का कोई मतलब नहीं होता, परिस्थितियां बनती है और चुनाव परिणाम आते हैं, जनादेश होता है। निश्चित रूप से कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका में आज है, कल भी रहेगा, और जब जब भी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जिस प्रकार से भाजपा के लोग 2 महीने में ही किसानों के साथ अन्याय किए हैं, 3100 में इनका धान का राशि आज तक भुगतान नहीं किया, महतारी वंदन योजना में उप मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन का यार लाभ मिलेगा, लेकिन 18 वर्ष की आयु की महिलाओं से लेकर के 21 वर्ष की महिलाओं के साथ भी इन्होंने जो अन्याय किया है और उन्हें योजना से वंचित किया है, और इस प्रकार की जो भाजपा की जो अन्यायकारी नीति है
उसके खिलाफ भी हम लड़ते हुए आम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में न्याय का अलग जगाएंगे। राहुल गांधी जी आए हैं, कोई बात नहीं है, न्याय का अलग जगाने के आ रहे हैं। 30 सेकंड में एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। चक्रवर्ती जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, राहुल जी आ रहे हैं कांग्रेस के ओर से, उनकी ओर से न्याय वाला जो दांव खेला जाएगा, आप लोग इसके बचाव के लिए तैयार हैं? कोई बचाव की बात नहीं है मोहन जी, राहुल गांधी जी आए उनका स्वागत है, लेकिन राहुल गांधी जी जो राजनीतिक शुचिता होती है उसकी जगह जातिगत जनगणना की बात करके देश के अंदर जो वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहते हैं वो लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, किसी वर्ग के लिए न्याय नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार ओबीसी वर्ग के बीच में भेद पैदा करते हैं कि सारे मोदी चोर होते हैं, न्यायालय से उनके ऊपर चार्जशीट होता है। ये तमाम तरह की घटनाएं बताती है कि राहुल गांधी जी को आज भी राजनीतिक रूप से परिपक्व करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मसौदे तैयार किए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आज तक परिपक्व नहीं हो पाते। और दुबे जी ने अभी खुद कहा कि हम आज भी हारे कल भी हारे हम हमेशा विपक्ष के रूप में तैयार रहेंगे, तो आप विपक्ष के लिए लोकसभा में भी फिर से तैयारी कर लीजिए। चलिए वो तैयार है, दुबे जी से टिप्पणी ले लेते हैं। दुबे जी, सरगुजा रायगढ़ से लेके अंबिकापुर तक, यानी कि सरगुजा तक ये यात्रा है, कई मुद्दे मिलेंगे जिसे कांग्रेस को उठाने की जरूरत है, क्या ये यात्रा तक ही ये सीमित रहेगा या इसे कंटिन्यू करके कांग्रेस कुछ हासिल कर पाएगी? उससे तिवारी जी जिस प्रकार से भाजपा की अनिरुद्ध जी से है मेरा सवाल। हाँ मोहन जी, जहां तक के आपने जो सरगुजा का उदाहरण दिया, देखिए अभी की जो स्थितियां हैं तो दोनों पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अपने अपने तरीके से जो ताकत जो है दोनों पार्टियां दिखा रही है। मतलब चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो उसमें निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ जो विधायक हैं बहुत आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास भरपूर अवसर ये हैं, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं हुआ पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे फिर महादेव वाला मामला हो या पीडीएस सिस्टम हो और ये हो, बिल्कुल प्रहार चल रहा है, फिर कांग्रेस की तरफ से भी बराबर चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए इस चुनाव को इतना भी आसान ना माना जाए। मैं मानता हूं कि अभी तक के जितने भी लोकसभा चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस आगे नहीं आ पाई, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल एक तरफा रहेगा चुनाव, चुनाव चुनाव जैसा रहेगा और वहां पे कांग्रेस की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखेगी। बिल्कुल, चलिए हम भी इसी चुनौती और इसी तरीके के प्रतिस्पर्धा की उम्मीद करते हैं। मुद्दे दोनों ओर से हैं और राहुल गांधी जब आ रहे हैं तो ये उम्मीद भी बनती है कि वो कुछ नया करिश्मा करेंगे। करिश्मा क्या होगा, कैसे होगा, इस पर बार बार हमारी चर्चा परिणाम तक जारी रहेगी। आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।